हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइज, इसी हफ्ते होने वाला है मॉब वोट एंड इसके साथ होने वाली है माइनक्राफ्ट लाइव। एंड एज यू नो कि भाई मॉब वोट के तीनों मॉब रिवील हो चुके हैं, जहाँ पे स्नीफर, रास्कल एंड टफ गोलम भाई तीनों मॉब रिवील हो गए। एंड सब भाई जान चुके कि भाई कौन सा मॉब अच्छा है, कौन सा मॉब बुरा है एंड किसको वोट देना है। बट आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई जो है क्यों जो है स्नीफर जो मॉब है, जो फर्स्ट मॉब रिवील हुआ था, स्नीफर क्यों विनर बन सकता है इस मॉब वोट का। सो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, तो भाई वीडियो अंत तक देख लेना एंड चैनल पर नया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो पसंद आती जरूर से लाइक कर देना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे स्नीफर को वोट देने से पहले भाई स्नीफर के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पे जो मॉब वोट का ट्रेलर आया था स्नीफर का, उसमें हमको बताया गया कि यहां पे स्नीफर का एक एग होने वाला है एंड वो हमको भाई अंडर वाटर देखने को मिलेगा। एंड माइनक्राफ्ट ने ये भी बताया कि अंडर वाटर वो हमको भाई जो है अंडर वाटर चेस्ट उनके अंदर देखने को मिलेगा। एंड इसका एक बेनिफिट भी है कि भाई जो है अब हम अंडर वाटर और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं स्नीफर एग को ढूंढने के लिए। अब स्नीफर जो है एक तो वेरियस साइज में मिलेंगे भाई, छोटे बड़े सब मिलेंगे। यहाँ पे ट्रेलर में भी बताया गया था एक बड़ा स्नीफर। एंड ये जो है इनका काम ये है कि भाई ये जो है प्लांट्स खाते हैं, तो इन्होंने जैसे कि ट्रेलर में बताया था कि और ज्यादा प्लांट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सो स्नीफर के आने से भाई एक और अपडेट आ सकता है जो है प्लांट्स अपडेट, जिससे भाई और ज्यादा वेरियस प्लांट्स एड होंगे भाई माइनक्राफ्ट में। एंड इसका भाई जो ट्रेलर में बताया था कि भाई जो है स्निफ करके भाई सीड्स निकाल सकते हैं, ये भी भाई थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए। सो यहाँ पे भाई तीन चार बेनिफिट तो हमको ट्रेलर में ही देखने को मिल गया था कि भाई स्नीफर जो है एक अच्छा मॉब, बेस्ट मॉब है इन तीनों मॉब्स में, रास्कल एंड टफ गोलम में भाई स्नीफर एक बेस्ट मॉब है। एंड ये एक रीजन हो सकता है स्नीफर के विनर बनने का। एंड जो सेकंड बड़ा रीजन हो सकता है स्नीफर के विनर बनने का, वो है भाई ऑडियंस। अब जैसे कि आप जानते हो माइनक्राफ्ट के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं भाई इंडिया में, फॉरेन में, बहुत जगह पे। एंड मॉब वोट के मॉब्स रिवील होने के बाद जो यूट्यूबर्स हैं भाई, उन्होंने भाई जिनको जो मॉब पसंद आया तो उन्होंने भाई उस मॉब को प्रमोट करना शुरू कर दिया उनकी ऑडियंस में। एंड ऑडियंस भाई उनको फॉलो करती है, तो वो चाहेगी कि भाई वो उन्हीं को वोट दें। सो इन्हीं में से एक यूट्यूबर है वेटल्स, एंड ये भी एक भाई माइनक्राफ्ट के बहुत बड़े यूट्यूबर है। तो इन्होंने भाई ट्विटर पे जो है बहुत ज्यादा प्रमोट करा स्नीफर को। एंड जब इन्होंने भाई वोटिंग रखी थी तो यहाँ पे स्नीफर को भाई बहुत ज्यादा वोट मिले। एंड इनके अलावा एक और माइनक्राफ्ट यूट्यूबर है जो है जी सुमा वर्ल्ड, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ। तो ये भी एक बड़े माइनक्राफ्ट यूट्यूबर है, तो भाई इन्होंने भी वोटिंग करी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई स्नीफर को भाई बहुत ज्यादा वोट मिले। एंड इन सबके अलावा एक ऐसे यूट्यूबर है जिनके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत ह्यूज ऑडियंस है, एंड उन्होंने भी वोटिंग रखी थी। तो भाई वहाँ पे भी स्नीफर जीता, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे भाई जो डैन टीडीएम है, अभी ये फॉरेन के एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, ऑलमोस्ट 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इनके चैनल पे। एंड इन सबको देख के आप समझ सकते हो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो है स्नीफर को वोट दे रही है। तो आप समझ सकते हो कि जो मॉब वोट है भाई वहां पे भी जो स्नीफर को वोट दिया जाएगा। एंड यही था रीजन की जो है माइनक्राफ्ट मॉब वोट में इस साल जो है स्नीफर जो है विनर बन सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इस वीडियो के भाई जो है स्नीफर को ही वोट देने की सोच रहे होंगे। एंड अगर आप भी इन्हीं में से एक है तो भाई जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप स्नीफर को वोट नहीं दे रहे तो भाई कौन से मॉब को वोट दे रहे हो, ये भी मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। सो गाइस यही थी वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको जरूर से इन्फॉर्मेटिव लगी हो। भाई वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कर देना। एंड जो है वोटिंग जिस दिन होगी भाई मैं उस दिन कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डाल दूंगा, जिससे आप जो है लिंक पे जाके जो माइनक्राफ्ट वेबसाइट पे जाके वोट कर सको अपने फेवरेट मॉब को। सो गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।